पानसिमल तहसील के ग्राम जाहुर में तहसीलदार और खाद्य अधिकारी द्वारा कार्यवाही के दौरान लगभग 81,000 का राशन जब्त किया गया। वैधानिक कार्यवाही कर जांच जारी है। बड़वानी जिले के पानसिमल क्षेत्र में राशन के गेहूं और चावल के भंडारण करने वाले व्यक्ति पर कार्यवाही की है। पानसिमल तहसील के ग्राम जाहुर में प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा दबिश दी गई, जिसमें ग्राम के एक मकान से लगभग 81,000 का राशन जब्त किया गया। शुक्रवार को मिली जानकारी के अनुसार पानसिमल तहसीलदार राकेश ससत्या को सूचना मिलने के बाद नायब तहसीलदार सुनील सिसोदिया और खाद्य अधिकारी लवीना सोलंकी द्वारा खेतिया पुलिस के साथ कार्यवाही की गई। अधिकारियों द्वारा मौके पर लगभग 12,000 मूल्य का चावल और 69,000 मूल्य का गेहूं पाया गया। मकान से कुल 52 बोरी में राशन जब्त किया गया, जिसमें 46 बोरी गेहूं की तथा 6 बोरी चावल की जब्त की गई है। अधिकारियों द्वारा राशन दुकान पर भी जांच की गई तथा हिताग्राहियों को अंगूठा लगाने के तुरंत बाद ही राशन लेने हेतु कहा गया। जब्त राशन को वाहन के माध्यम से वेयरहाउस ले जाया गया, जहाँ से उसका वजन कर वेयरहाउस में रखा जाएगा। फिलहाल अधिकारियों द्वारा वैधानिक कार्यवाही की बात की जा रही है। हाँ, एक्चुअली जाहुर से तहसीलदार महोदय को भी शिकायत मिली थी, राकेश सस्ता सर को, कि यहाँ पर पीडीएस का कुछ आवंटन है जो लोग भर के और व्यापारी वगैरह खरीद के उसको बेचने जा रहे हैं। मुझे एसडीएम महोदय का भी फोन आया था कि जाहुर में कुछ अनाज पकड़ा गया, तो आप मौके पर उपस्थित होकर कार्रवाई करें। जब हम यहाँ आए तो हमने देखा कि एक गेहूँ जो है खुला करके और पिकअप में भर के ले जाने की तैयारी थी, जिसे हमने देखा मौके पर, और जो भी राशन था उसे खुले राशन को बोरियों में बंद करवाया गया। यहाँ पर हमें कुल 52 बोरी अनाज की मिली, जिसमें से 46 बोरी गेहूँ की थी और 6 बोरियाँ चावल की थी। मैडम, क्या पाया गया, जांच भी की गई? हमने पूछा इनसे, चंपालाल जी का घर था, उनके घर में उन्होंने सारा अनाज रख के रखा हुआ था। उनसे पूछा गया कि आपने ये अनाज कहाँ से लिया, कहाँ से आया, तो उनके द्वारा बताया गया कि जो शासकीय उचित मूल्य दुकान जाहुर के हितग्राही हैं, उनके द्वारा इन्हें अनाज बेचा गया वहाँ से लेने के बाद, और वही अनाज जो है इन्होंने अपने यहाँ स्टोर करके रखा था। तो उस अनाज को बोरियों से निकाल कर और पिकअप में ले जाकर बेचने की तैयारी थी।